नमस्ते मित्रों, मैं अभी बिहार के बेगूसराय जिला के गढ़पुरा मंदिर के प्रांगण में हूँ। यह मंदिर श्री हरिगिरी नाम से बहुत प्रचलित है। आप पीछे देख रहे हैं, यह हरिगिरी धाम है, उस मंदिर को दिखाता हूँ। उससे पहले आप देखिए श्री पार्वती जी का ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये श्री पार्वती जी का मंदिर है। ये आप देख रहे हैं, ये अभी तो सीज़न नहीं है तो कम भीड़ है। यहाँ लाखों लोगों का भीड़ आता है और मैं आपको ले चलूँगा जो यह हरिगिरी धाम है, जिसके लिए यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, उस मंदिर का प्रांगण आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, यह गर्भगृह है मंदिर का। काफ़ी भक्तजन यहाँ पूजा कर रहे हैं, आप भी आशीर्वाद ले सकते हैं। ये गर्भगृह, और आपको दिखाता हूँ माता पार्वती जी का मंदिर को। आप देख रहे हैं सामने माँ पार्वती जी का मंदिर है, वो भी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ माता पार्वती जी का प्रतिमा है, और यहाँ लगभग लाखों लोग आते हैं सावन में पूजा करने के लिए। ये माता जी का मंदिर है, और आप देख सकते हैं यह मंदिर काफ़ी विशाल है। चारों ओर काफ़ी लंबा चौड़ा परिसर है, कई सारे इस आंगन में प्रतिमा लगे हुए हैं, काफ़ी सारी मंदिर हैं। ये देख सकते हैं धर्मशाला भी है, यहाँ विवाह भी होता है और रहने का भी व्यवस्था है, और यहाँ धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ भी मिलते हैं। श्री हरिगिरी धाम में एक नया मंदिर का स्थापना हुआ, आप देख रहे हैं। यह सात सफ़ेद घोड़ा को लगाया गया है, जो कि भक्तगणों को काफ़ी आकर्षित करता है। और सामने श्री राम जानकी मंदिर भी है, और ये नया जो है मंदिर निर्माण हुआ है। इसमें एक और नया मंदिर निर्माण हुआ है, आपको दिखाता हूँ। पीछे वहाँ देख रहे हैं आप, वहाँ एक नया मंदिर निर्माण है, और यहाँ एक नया विवाह भवन भी बना है, पूनम विवाह भवन।